वेलकम टू द्रिप्टर्स लेट्स डीकोट द मार्किट फर्स्ट ऑफ ऑल उम्मीद करते हैं एक अच्छा दिन आपका रहा होगा एक अच्छा प्रॉफिटेबल दिन आपने गुजारा होगा आज पी पी आई की रिपोर्ट थी और काफ़ी बंदे जो है वो हैरान परेशान हुए हैं और बेसिकली क्या था पी पी आई आपको वीकली अनालिस के अंदर ही बता दिया गया था कि आपके पास रिपोर्ट जो है वो बोली जाएगी ठीक है और उसके ऑब्वियसली फैक्टर्स भी आपको बताए गए थे रीजन के साथ बताया गया था आपको तो होपफुली आपने ये वीडियो देखी होगी वीकली स्टिल अगर नहीं देखी तो उसमें स्टिल जो है चीजें मौजूद हैं ठीक है थीके? और आपको मैंने कहा था कि जो फेड 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 की uh, uh, की कह रहा चेयरमैन जो स्पीच है वो भी इंपॉर्टेंट uh, रहेगी अब उसके ऊपर भी बात कर लेता हूं लेकिन पहले डाटा के ऊपर बात करते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है ठीक है काफी लोगों को अभी तक समझ नहीं आई वो हैरान परेशान है कि यार ये डाटा तो आपके पास डिक्सी का बुलिश आया है लेकिन ये मार्केट क्यों नीचे नहीं गई यार ऊपर क्यों जाना शुरू किया तो आप अगर ये देखेंगे हमारे पास डाटा जो है ये रिवाइज डाटा हुआ है ठीक है अच्छा पहले तो रिवाइज डाटा से भी पहले तो ये जो डाटा है पी पी का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्यों क्योंकि मैंने देखो आपको बताया हुआ है कि जो भी आपके पास डाटा है वो कंज्यूमर के साथ रिलेटेड है ठीक है तो कंज्यूमर का कौन सा डाटा आपके पास ठीक है वो आपके पास बनता है सी का डाटा ठीक है क्योंकि बेसिकली सी पी आई इस आपके पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ठीक है यानी कि कितना कंज्यूमर खर्च कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, वो चीज़ मैटर करती है क्योंकि जितना वो हाई इन्फ्लेशनरी इन्वामेंट के अंदर भी खर्च कर रहा है स्पेंड कर रहा है तो मार्किट या फेड उसको ये समझता है कि भाई इन्फ्लेशन इतनी हाई नहीं है स्टिल अफोर्ड कर पा रहा है तो मार्किट क्या चाहती है यार ये बंदा ब्रोक हो जाए और ये अफोर्ड ना कर पाए ठीक है तो अब मुझे ये बताएं कि मार्केट में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है या पी का डाटा ऑब्वियसली आप सीपीआई का डाटा आप अगर वीकली वीडियो गेन आपने देखी होगी तो मैंने रैंक करके भी आपको बताया था कि रैंकिंग वाइज कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है नाउ अब ये डाटा क्योंकि रिवाइज हुआ है ऑल दो काफ़ी बुलिश आया जितना था तकरीबन इससे डबल एक्सपेक्टेड हुआ है ठीक मंद मंद है अच्छा ये मंथ ऑन मंथ का डाटा है जीयर ऑन ईयर बेसिस का जो डाटा था वो ऑलमोस्ट सेम आया है जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही आया येयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे लिस्ट नहीं है वो आपको माई एफ एक्स स्ट्रीट के ऊपर मिल जाएगा एफ बुक कह रहा हूँ एफ स्ट्रीट के ऊपर आपको मिल जाएगा या बाकी किसी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा ठीक है तो ये डाटा बुलिश आया है लेकिन स्टिल इसकी रिवीजन की वजह से ऑलमोस्ट ये बैलेंस हो गया ठीक है और जब बैलेंस हो जाती हैं चीज़ें तो आपके पास मार्किट अक्सर औकात बुलिश मूव करती है ठीक है ये आपके पास एक रूल है दूसरा अगेन जो पावल की स्पीच थी उसने काफ़ी साइन ये दिए कि जी मार्किट जो है इन्फ्लेशन भी डाउन हो रही है सारा कुछ हो रहा है और उसकी चलो मैं बात कर लेता हूँ पावल ने कुछ बातें की हैं ठीक है कुछ बातें कुछ का मैं आपको बताऊंगा कि उसने क्या बातें की हैं और उसका क्या मतलब है और आने वाले सीपीआई के अंदर उसकी क्या कहते हैं उसने क्या हिंट्स दिए अब अगर आप ये देखेंगे आ, सबसे पहले उसने एक बात की है कि वी डोंट नीड ऑल थ्री ऑफ दीज कॉम्पोनेंट्स ठीक है ऑल ऑफ ऑल ऑल ऑफ थ्री दीज कॉम्पोनेट कौन से एक सर्विसेज आपका एक गुड्स और दूसरा हाउसिंग मार्केट अब ये बेसिकली तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं आपकी इन्फ्लेशन के अंदर ठीक है तो वो कहता है कि जी आ, हमें इन तीनों की ज़रूरत नहीं है अगर इनमें से दो भी नीचे आए या दो का भी फायदा हो तो काम चल जाएगा ठीक है दूसरी बात उसने ये की है कि नेक्स्ट क्वार्टर में यानी कि आने वाले क्वार्टर के अंदर क्वार्टर नहीं सॉरी हाफ के अंदर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के अंदर तो हम इन्फ्लेशन को डाउन देख सकते हैं ठीक है यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि एक सेकेंड हाफ में डाउन देख सकते हैं लेकिन उससे पहले अप देख सकते हैं ठीक है नाउ दिस इज़ आई थिंक सॉर्ट ऑफ बुलिश हिंड के सी पी आई भी आपके पास बुलिश आएगा ठीक है और उसके अलावा बाकी रीजन्स भी हैं लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ है मैं आपको वो बता रहा हूँ ठीक है क्योंकि बाकी चीज़ें मैंने काफ़ी दफा आपको पहले समझाई हुई हैं फंडामेंटली उनको मैंने आपके सामने ट्रेड किया हुआ है तो जो चीज़ न्यू है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ उसके बाद उसने बात की है कि जी आपके पास इकॉनमी ठीक है और वो सारा कुछ सही है फिजिकल डिमांड है और टू परसेंट जो इन्फ्लेशन है वो ऑन द वे है मैंने एक्सपेक्ट ये किया था कि जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा जल्दी नीचे जाएगी लेकिन वो थोड़ा सा टाइम ले रही है तो टाइम लेने की वजह से हमें रेट पॉलिसी इतनी ही रखनी पड़ेगी लेकिन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम रखनी पड़ेगी ठीक है तो मतलब इस तरह की स्टेटमेंट जो है मल्टीपल की हैं उसने बाकी आ, आपको मैंने जो मेन चीज थी वो मैंने आपको शुरू में बता दिया अच्छा अब जॉब डाटा जॉब का डाटा है वो भी है अब कल जो हमारे पास डाटा है वो बेसिकली आपके पास सी पी आई डाटा भी है और आपके पास रिटेल सेल्स डाटा भी है तो ये दो डाटा हैं दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है सी पी आई पहला फिर रिटेल सेल्स उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को अगर आप देखना चाहें तो यू कैन काउंट दिस एज वेल अच्छा सबसे एक आ, और भी जो इम्पोर्टेंस चीज़ है वो ये है स्टेटमेंट उसी स्पीच के दौरान आपके पास नेदरलैंड्स के अंदर थी जैसे आपको मैंने बताया था वहाँ पे स्पीच होगी सारा कुछ होगा ईसीबी की तरफ से यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है विच वॉज कि जून में फर्स्ट रेट कट हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी या उसकी उम्मीद हो सकती है की जा सकती है अब ये बात अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले साल नवंबर के अंदर ही कर दी थी मैंने आपको बताया था कि मार्च के अंदर रेट कट वाला कोई सीन नहीं है जून जुलाई के अंदर आप देख सकते हो बात बहरल फेट की हुई थी लेकिन एटलीस्ट ई सी भी, भी स्टार्ट करता है तो हमारी जो बात है जो बड़े बड़े अकोनमिस्ट हैं उनसे पहले हम एक बात कर चुके हैं तो विच इज़ ऑब्वियसली अ प्राउड मोमेंट कि आप यार इतना आ, पहले आप अगर चीज को प्रेडिक्ट करते हैं और उस हिसाब से चीज़ें चल रही है तो डेट इज़ रियली सॉर्ट ऑफ गुड थिंग अब आ जाते हैं प्रॉपर एनालिसिस uh, के ऊपर बिल्कुल छोटे से पेयर जो है वो कवर करूँगा सबसे पहले यू एस टेन ईयर्स अच्छा यू एस टेन ईयर्स की रेंज बता देता हूँ फोर पॉइंट थ्री फाइव से फोर पॉइंट फोर ठीक है और इसके बाद कल आपको मार्केट दोबारा फोर पॉइंट फोर एट फोर पॉइंट फाइव के अराउंड कल आपको देखने को मिल सकती है ठीक है मीनिंग डैड आपको डिक्सी भी आपको कल के दिन थोड़ा सा बुलिश देखने को मिल सकता है ठीक हो गया अब डिक्सी के क्या लेवल है वन जीरो फोर पॉइंट फाइव से वन जीरो फोर पॉइंट एट इसके बीच में आपके पास डिक्सी बाउंस कर सकता है और वन जीरो फाइव पॉइंट थ्री से वन जीरो फाइव पॉइंट फाइव ये लेवल है आपके पास डिक्सी का जो आपको मिल सकता है अच्छा ये एरिया आपके पास फ्लिप नहीं हुआ था आपको मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि कम अज कम ये एरिया आपको मिलेगा क्योंकि ये एरिया फ्लिप नहीं हुआ मार्केट यहीं से रिजेक्ट हुई है और इसको हम अब कर देते हैं रेड ठीक है पहले हमारे पास थोड़ा सा न्यूट्रल एरिया था कि जा भी सकती थी नहीं भी जा सकती थी मैं ये नहीं कह रहा कि अब जाने के बाद कहूँगा मैंने कहा था इधर से गिरी गिरी मैं बात कर ही नहीं रहा मैंने जो बात कल की थी वही बात मैं आज कर रहा हूँ यह हमारे पास फिफ्टी फिफ्टी एरिया था यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती थी नीचे भी आ सकती थी ठीक है और फंडामेंटली आपके पास जो आपके पास डाटा है रिवाइज डाटा और बाकी कमेंट्स वगैरह थे वो भी इतने आ, बुलिश नहीं थे डॉलर के लिए ठीक है क्यों नहीं थे क्योंकि पी पी आई इट्सेल्फ इतना वेटेज नहीं रखती पहली चीज दूसरी चीज जो कमेंट्स आपके पास आए हैं वो इतने बुलिश नहीं थे डॉलर के लिए उसके बाद जो स्पीच हुई है और तीसरी डाटा आपके पास रिवाइज था ठीक है तो डाटा बेसिकली बुलिश से कन्वर्ट हो गया मिक्स डेटा के अंदर ठीक है तो डेटा के अंदर बारे लिए लगी रहती है अच्छा आपके पास ये कवर हो गया अच्छा विक्स बड़ी इंटरेस्टिंगली जो है आपके पास आपको मैंने कहा था कि गैप कवर करने आ सकता है और गैप अगर कवर करने आता है तो आप देखेंगे कि हमारे पास नेग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है ठीक है नेश टैग बेसिकली अब दोबारा बुलिश हुआ हुआ है और 425 का एक टारगेट नजर आ रहा है का 425 से 18,500 ठीक है तो 18,500 और 425 ठीक है तो अब कल आप यहां से एक मूव देख सकते हैं अच्छा वीकली में मैंने आपको क्या बात की थी कि मार्केट आपको सत्रह हज़ार नौ सौ मिल सकती है और उसके बाद आप ऊपर मार्केट को देख सकते हैं ठीक है थीके? लेकिन वो बात इस, इस इसी बेसिस के ऊपर थी कि ये डाटा आपके पास बुलिश आएगा और मार्केट आपके पास गिरनी चाहिए ठीक है वी डिट कंसिडर दिस कि भाई इतनी ज्यादा रिविजन आपके पास है रिविजन नॉर्मल इतनी ज्यादा नहीं होती ठीक है बट ठीक है मार्केट है वो ठीक है तो अब मार्केट क्योंकि आपके पास सिचुएशन चेंज हुई तो हम अपना जो ओपिनियन है वो भी अपना चेंज करेंगे और ना ओपिनियन इस सेल आपको अब मिलेगी ठीक है तो ओवरऑल स्टिल आई एम लुकिंग बोलिश और नेस्टा के ऊपर मैं कुछ और बात भी करूँगा बट देखते हैं कि मार्केट हमें क्या देती है ठीक है बहरहाल नेस्टेग की जो रेंज है आपके पास अठारह हज़ार से लेके एटीन थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी का लेवल ये आपके पास एक रेंज है इसको आप सपोर्ट रिस्टेंस भी काउंट कर सकते हैं या इसके राउंड अबाउट ऑफ सपोर्ट रिस्टेंस बनती है तो यू कैन काउंट देट एज वेल नेस्टैग आपके पास हो गया एस एंड पी फाइव हंड्रेड यू एस थर्टी ऑलमोस्ट सेम है ठीक है की uh, गोल्ड की पहले बात कर लेते हैं अच्छा गोल्ड आपके पास आ, बुलिश ही है ठीक है आपको एक लेवल ये बताया हुआ भी था ठीक है ये आपके पास एक लेवल थर्टी थ्री का और ये सारा आपके पास एक लेवल मौजूद था अब बात यह है कि मैं मार्केट को स्टिल बेरिश देख सकती हूँ ठीक है यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एक आपके पास रेस्टोरेंट है आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ यहाँ पे मार्केट तो आप यहाँ से लेकर बेसिकलीट से लेके ले का का एरिया एरिया जो है 72 का यहां से आप एक सेल देख सकते हो ठीक है चाहे स्कैल्पिंग निकले चाहे फास्ट निकले वो आप देख सकते हो ठीक है क्या नीचे ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू का लेवल आ सकता है हाँ चांसेस रहेंगे ठीक है चांसेस स्टिल रहेंगे लेकिन अब चांसेस या प्रॉबिबिलिटी वाइज काम जो है थोड़ा सा कम होगा दूसरी चीज गोल्ड जितना नीचे मिले उसको बाय करना है ठीक है गोल्ड जितना नीचे मिले उसको बाय करना है क्यों वीकली वीडियो में मैंने आपको एज पर एस्ट्रोलॉजी आपको मैंने डेट्स दी हुई है ठीक है एज पर एस्ट्रोलॉजी मैंने आपको डेट दी हुई है और डाटा भी अगर आपके पास इसके सपोर्ट में आ रहा है बाकी चीजें भी आ रही हैं टेक्निकल भी है तो देर इज नो रीजन कि आप इसको सेल करें ठीक है अब मैं बात कर रहा हूं चार घंटे डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से वीकली वीडियो के रिलेटिव उसकी कंसीडेशन के अंदर बात कर रहा हूं ठीक है अब ये नहीं कहना कि हमने पांच मिनट में पंद्रह मिनट पांच मिनट में पंद्रह मिनट में, में आप बाई भी करो यार सेल भी करो आप कुछ भी ना करो मेरा क्या है कहने का मकसद ये है कि आपको ओवरऑल डायरेक्शन बताई जाए ना क्योंकि एक वीडियो अगले दिन आती है तो चौबीस घंटे का गैप है भाई तो चौबीस घंटे के हिसाब से आपको चीज बता रही है ठीक है बाकी स्कैल वगैरह तो आप कहीं से भी करें कहीं से भी बाई करें कहीं से भी सेल करें ओवरऑल आपको मैं बात बता रहा हूँ ठीक है गोल्ड आपका ऑल टाइम हाई मारेगा लेकिन इस वीक मारता हुआ नजर नहीं आ रहा ठीक है और अगली वीक कुछ और कहानी है और उससे अगली वीक हम फिर बहरल देख सकते हैं चीजों को ठीक है आगे तक की बात आपको कर दी है अब बातें अपना एअरो के ऊपर अच्छा जो है बुलिश हुआ हुआ है ठीक है 1.08 आपको यहाँ से हमारे वीआईपी में बिल्कुल इधर नुक्कर से इधर बिल्कुल यहाँ से बाय पड़ी हुई है बीच में हमने सेल वगैरह भी किए हैं इनफैक्ट आज भी सेल डाली है एयरो के अंदर जीबी के अंदर जो कि अभी फिलहाल फ्लोटिंग चल रही है उसके अंदर और सेल बिल्कुल इधर ही तकरीबन डाली है ठीक है बट मतलब ये है कि बीस पच्चीस तीस पेप्स इतनी फ्लोटिंग चल रही है विच एज वेरी नॉर्मल इन करेंसी ठीक है बट यहाँ से पाँच सौ छः सौ पेप्स प्रॉफिट भी चल रहा है ठीक है आपके पास क्यों छः सौ कैसे छः सौ बल्कि मोर देन सिक्स हंड्रेड बिकॉज वी हमारे पास एक इंट्री यहाँ से है देन वी हैड एंट्री फॉर्म फेयर और उसके बाद हमने एक इंट्री यहाँ से भी डाली है तो Uh, एक आधी मेरी क्लोज है ठीक है बाकी भारत ग्रुप के अंदर क्लोज नहीं कराई हुई बिकॉज आई वॉन्टेड टू कन्वर्ट माई प्रॉफिट इंटूस्टेक ट्रेड और बाकी ट्रेड्स के अंदर ठीक है मैं वो थोड़ा सा रोटेट करता रहता हूँ जीबीपीएसटी जीबीपीएसटी की जो आपके पास रेंज है जीबीपीएसटी कह रहा हूँ थ्री से वन पॉइंट टू फोर एट ठीक है और एरो की जो है वो आपके पास वन से लेकर वन ठीक है सेल मैंने आपको कल भी वीकली लेवल में भी आपको बताया और आई थिंक कल की वीडियो में भी आपको बताया एयर और जियो के सेल के लेवल तो उन्हीं के ऊपर कंसिडर करें ठीक है जिसने नहीं देखी तो वो जाकर दोबारा देखेगा उसके बाद लेवल नोट करेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए ठीक है अगर आप रेड करना चाहते हैं गोल्ड कवर हो गया आपका नेश हो गया अच्छा बिटकॉइन को देख लेते हैं बिटकॉइन जो है आपका यार फिफ्टी सेवन से सिक्सटी का एक दफा दोबारा एरिया टेस्ट हो सकता है और उसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं लेकिन एरिया टूटा हो तो उसके बाद ठीक है तो बहल टेस्ट हो सकता है ठीक है चांसेस रहेंगे अच्छा जे पी वाई पेयर ऑलमोस्ट सारे आपके बुलिश हैं ठीक है जी बी पी जे पी वाई आपके पास यू एस टी जे पी वाई आपके पास एयरो जे पी वाई तो ऑलमोस्ट इनकी बाइस हमारे पास चल रही हैं ठीक है थीके? एक आधी आज जे पी वाई के अंदर सेल की भी ट्राई की थी जी वो हमारा एक एस एल की और रिपोर्ट जो है हम अभी पोस्ट करते हैं ठीक है थीके? रिपोर्ट हमारी डेली की अभी पोस्ट हो जाएगी इन शाला वीडियो से पहले पहले और उसके अंदर आप डेली का रिजल्ट देख सकते हैं चार हज़ार चार हज़ार से पाँच हज़ार पे हमने ऑलरेडी निकाले हैं ठीक है अच्छा बात क्या है आपने एक चीज का हमेशा ख्याल रखना होता है ख्याल आपने ये रखना होता है कि देखो आपका प्रॉफिट हमेशा ज्यादा हो और लॉसेस आपके कम हो लॉसेस तो होते हैं ठीक है क्योंकि मार्केट है रिस्क तो आपने लेना है कभी कभार आप रिस्की सेटअप भी लेते हो कभी कभार आप आ, ए प्लस सेटअप भी लेते हो तो डिपेंड करता है अगर आप सिर्फ ए प्लस सेटअप लो तो आई थिंक देर शुड बी नो लॉसेस एट ऑल ठीक है प्रॉबीबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है ए प्लस सेटअप के अंदर कि देर आर नो लॉसेस एट ऑल ठीक है बट जाहिर बात है कि आ, रिस्की ट्रेड भी आई थिंक शुड बी कंसिडर्ड मेरा बहरल माइंड सेट ऐसा है कि रिस्की ट्रेड भी आप ले कैलकुलेटेड रिस्क के साथ क्योंकि रिस्क है तो इश्क है ठीक है और आ, बाकी मार्केट में ऐसा कुछ नहीं ऑयल को देख ले तो अच्छा ऑयल की एक न्यूज़ थी अगेन वी पी के अंदर बता भी दिया गया था कि जी रेट कट वाली जो अगर सिचुएशन है वो रेट कट कह रहा हूँ सॉरी ऑयल प्रोडक्शन कट जो है वो अगर नहीं होता तो आपके पास मार्केट आपको देखने को बेरिश मिल सकती है और मार्केट आपके पास वही नीचे आई है अगेन ये आपके पास लेवल मौजूद है तो सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव से सेवेंटी सिक्स पॉइंट फाइव एक जोन है आप यहाँ से सेल कर सकते हैं ठीक है और दूसरा आपके पास अगर तो थोड़ी सी बड़ी रेंज चाहिए तो आप सेवेंटी फाइव से लेकर सेवेंटी टू का एरिया यहाँ से सेल कर सकते हैं बाई कर सकते हैं ऑयल को बाई ही करना है गोल्ड को बाई ही करना है ठीक है अभी तक के लिए अभी आज इस वक्त की डेट तक के लिए आपने बाय ही करना है ठीक है अब पंद्रह को की और बात होती है सोलह को की और बात होती है तो मार्केट के हिसाब से देख लेंगे आज के लिए ही है ठीक है उम्मीद है बात समझ आगी अच्छा, आ गई होगी अच्छा फ्री ग्रुप जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है सिंपल आपने क्या करना है कि लिंक पे क्लिक करना है आपने आ जाना है वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती जाती है फॉर एग्जांपल आज हमने इंफॉर्मेशन दे दी थी कि गोल्ड टू थ्री थ्री सेवन यानी तेईस सैंतीस से ऊपर आज की क्लोजिंग देगा ही देगा चाहे स्पीच आती है चाहे फंडामेंटल आता है जो मर्जी है गोल्ड आपको उसके ऊपर क्लोजिंग देगा ये मैंने अल्फाज बोले हैं आज और अभी से काफ़ी देर पहले ठीक है इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो बंदा बोल सकता है जिसको प्रॉपर नॉलेज हो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो वो नहीं कि आप ब्लास्ट ब्लास्ट करते रहें और अकाउंट ही ब्लास्ट हो जाए और उसके बाद आपका मुँह जो है ब्लास्ट ब्लास्ट चलता रहे ठीक है ना छोटे की तमीज़ ना बड़े की तमीज़ और आप लगे रहो ठीक है तो वो चूरन के पैकेट में ना आप चूना बेचने हो बेचो ठीक तो है तो मैं तो सही कहता हूँ यार मतलब सही बंदा मिला है पाकिस्तानी मांग को ना बिल्कुल सही बंदे मिले हैं ये दो जो है ना एक बात कर देता हूँ कि चूरन लेके ठीक है सीखो समझ गए हो तो मैंने दोनों बंदे आपके कवर कर दिए बात समझ आ गई होगी मेरा इशारा समझ गए होगे ठीक है तो ये दोनों बंदे जो है ना बस लगे हुए इन इनसे यार दूर रहो क्या करते हो पता है ना इनको कुछ ठीक है लैंड करते करते पच्चीस हजार तीस हजार पचास हजार डॉलर मतलब कोई ही नहीं है ठीक है क्योंकि आ रहा है ना आपका हमारा पैसा आ रहा है आ, बाकी आई थिंक इस मार्केट के अंदर कुछ है नहीं जो न्यू आपके साथ बताया जाए ठीक है कल हम मे बी सी को लाइव ट्रेड कर रही हूँ और आ, उसके बाद देखते हैं अच्छा कल क्रूड ऑयल के इन्वेंट्रीज का डाटा भी है ठीक है तो इन्वेंट्रीज अगेन आपके पास थोड़ा सा देख सकते हैं मे बी मेरी साइड के ऊपर आप इसको देखें ठीक है बहरल कल एक डाटा लास्ट में और भी है आपके पास वेज प्राइस इंडेक्स ठीक है ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इसको कवर नहीं करना चाहूँगा मैं मेरे टाइम का और डाटा नहीं है ये फिलहाल अच्छा बारल वीडियो को एंड करते हैं वीआईपी की इन्फॉर्मेशन आपको पता है यार एक्सनेस का आईबी है ऑक्टा का आईबी है फ्री नहीं है मेरे भाई ठीक है बिल्कुल भी फ्री नहीं है ज्वाइन करोगे उसमें डिपॉजिट करोगे ट्रेड करोगे तो वीआईपी में हो गए फ्री नहीं है जो बंदा कहता है फ्री है वो तुम्हें बना रहा है ठीक है वो खुद भी बना हुआ है वो खुद भी तुम्हें भी बना रहा है ठीक है फ्री कुछ नहीं होता है जो काम है देखो एक कंडीशनल कंडीशन बेस आप इसको कह सकते हो फ्री कुछ नहीं होता है आप हमें पैसे देने के बजाय आपकी जगह कोई और दे रहा है ठीक है सारे आई बी वो लोग को इसी तरह मिलता है पैसा कोई बंदा कहता है फ्री है फ्री कुछ भी नहीं होता है ठीक है तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है लाइक इसको इसका कंटेंट आपको अगर पसंद आता है ठीक है मैं सीधी बात करता हूँ खरी बात करता हूँ ठीक है जिसको बुरी लगती है दो दफा सुना करें समझ आ गई बात तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें और मेरा लास्ट में एक बात बोलूँगा मेरा लहजा या मेरी टोन में इसलिए रखता हूँ मैं जानबूझ के ऐसी रखता हूँ मैं इसलिए रखता हूँ कि कुछ लोगों को ये ज़बान या ये लहजा या ये टोन समझ आती है ठीक है तो कुछ लोगों को ना इज़्ज़त रास आती नहीं है समझ गए बात को तो इस वजह से जानबूझ के रखी जाती है बरल उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे पैगाम को समझ गए होंगे और पैगाम पहुँचाने वाले पैगाम पहुँचा दिया करें ठीक है कबूतर का किरदार अदा किया करें बार well, इनशाला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल लाइव मिलते हैं तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह हाफिजर्सो